तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अभी हमने सल्टा लिया आइसोटोप्स आइसोडाइपर्स, ये अपने दिमाग में सेट और इसको याद कर लेना बेटा अच्छे से कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब अपन जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। भाई ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं बेटा, एक होता है वेव और एक होता है पार्टिकल। वेव नेचर होता है वो होता है कंटिन्यूअस और पार्टिकल नेचर होता है डिसकंटिन्यूअस। कि सर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फिनोमिना का मतलब डिफरेंस क्या हुआ? जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम दूध की डेयरी पे जाओ और 600 ml दूध ले आओ, ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि बेटा दूध की डेयरी पे पैकेट कितने ml का मिलता है? 500 ml का एक पैकेट देता है वो। तो अगर आप जाओगे तो 500 ml का दो पैकेट दे देगा, 600 ml नहीं देगा। इसी तरह से मैं तुम्हें कहूं कि तुम किसी दुकान पे एक एक रुपए के 10 सिक्के लेके जाओ तो क्या तुम सारे पेमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर दुकान वाले ने 1.30 मांग लिया तो क्या पेमेंट पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वही क्वांटाइजेशन वाली बात है। तुम वहां से कैसा पेमेंट करोगे बेटा सिक्कों में? एक रुपए का सिक्का, दो रुपए के सिक्के, तीन रुपए के सिक्के, इस तरह से। क्लियर है? ये डिसकंटिन्यूअस नेचर है। लेकिन आप पेटीएम तो सारा कर सकते हो, एटीएम 1.30 का भी हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी कहानी, कंटिन्यूअस का मतलब आप जिसमें सारी वैल्यूज हो और डिसकंटिन्यूअस मतलब जिसमें सारी वैल्यूज ना हो। जैसे हम सिक्के अगर बात करें तो हमारे पास जो सिक्के होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस नेचर के होते हैं। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो आप एक एक रुपए के सिक्के देते हो तो एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया, चार रुपया, इस तरह से पेमेंट करते हो। अगर दो रुपए का सिक्का तो कैसे पेमेंट करते हो? दो, चार, छह, आठ, दस। और 10 रुपए का नोट हो तो कैसे पेमेंट करोगे? 10, 20, 30, इस तरह से पेमेंट करोगे। तो सिंपल सी कहानी, आप किसी जगह पेमेंट करते हो तो किस तरह से, किस बात पे डिपेंड करता है बेटा पेमेंट? इंटीजर बात में। क्लियर? वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आप एटीएम करो तो कंटिन्यू कर सकते हो कैसे पेमेंट। तो सेम सी कहानी है, एक वेव होता है कंटिन्यूअस फिनोमिना और ये क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। देखो केमिस्ट्री में जो अपने को पढ़ना है वो पार्टिकल नेचर को पढ़ना है, यही है अपना सब कुछ। वेव को तो बस इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ा रहा हूँ। कैसे पढ़ा रहा हूँ बेटा? इंट्रोडक्शन टाइप में, कि आपको इंट्रोड्यूस हो जाओ वेव होती क्या है। बाकी ये सब वेव मैकेनिक्स नाम से आपके फिजिक्स में चैप्टर है, कैसे बनती है, कैसे बनती है, क्या है, अपने को इतना लफड़े में पढ़ना है। मुझे तो इंट्रोडक्शन पार्ट चाहिए कि ये होता है, इतना सा ध्यान रख लो। अपने को मेन किस पे करना है फोकस है? पार्टिकल पे। वो पार्टिकल नहीं पढ़ाएंगे अपन, पार्टिकल पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं वेव की। वेव क्या होती है? आपने बेटा जनरली देखा होगा कि जैसे घर पे जो रस्सी बंदी होती है, कपड़े वपड़े सुखाते हो, उस पर आप रस्सी पे एक तरफ मारते हो तो क्या दूसरी तरफ अपने आप वाइब्रेशन आ जाता है? कैसे? क्या आप ऐसा थोड़ी करते हो कि आप इधर से रस्सी को इस हाथ से मारा, फिर हाथ को काट के उधर फेंक के उधर भी मारा, किले एनर्जी उधर भी पहुंचा देते हैं? ऐसा नहीं किया ना, फिर भी वो रस्सी इधर ही है। मतलब आपने मास ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन क्या ट्रांसफर होगी बेटा? एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ये भी एक वेव है, साउंड वेव। जो मैं बोल रहा हूँ, जो तुम बोलते हो, वो सब साउंड वेव ही तो है। लेकिन क्या ये साउंड वेव एनर्जी ट्रांस, ये भी मास है क्या बेटा? एनर्जी है। भाई वेव है क्या? कि क्या फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो आप में से कोई कहेगा सर वेव में कौन, आप जो बोल रहे हो उसमें कौन सी एनर्जी है? कैसे नहीं है? मैं रोटी खाता हूँ तभी तो एनर्जी मिलती है। हाँ भाई, तुम रोटी खाते हो, मास है वो, उसको तुम खा लेते हो। अगर मान लो मैं तुम्हें 10 दिन रोटी नहीं दूं तो क्या पॉसिबल है कि तुम बोल पाओ? बोलो भाई कि सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर तुम्हें 10 दिन रोटी नहीं दी तुम्हारी जबान चली जाएगी ना। वही कहानी, तुम रोटी खाते हो इसलिए तो तुम्हारी जबान निकलती है। कई बार घर में मम्मी नहीं कहते ना, इसकी जबान बहुत निकल रही है, इसको टाइम पर रोटी मिलती है इसलिए। क्लियर है? कि रोटी मिलती है तो क्या होता है? एनर्जी मिलती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बोलते समय, कि जब आप बोलते हो, जब मैं बोलना शुरू किया तो रोटी के टुकड़े बाहर आ रहे हैं, कि जैसे मैंने कहा छरे तो मोटे मोटे टुकड़े आए, हैं धीरे बोला छरे तो धीरे धीरे टुकड़े आए। नहीं, मास नहीं आ रहा, सिर्फ एनर्जी। उसी मास को मैंने अंदर लिया, कंज्यूम किया, एनर्जी में कन्वर्ट किया और साउंड वेव के रूप में मैंने बाहर निकाला। लेकिन क्या साउंड वेव जब मैं बोलता हूं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रोटी के टुकड़े उछलते उछल के आ रहे हैं, कि सर रोटी आज सही खा के, अगर चबा चबा खा, अगर मोटे मोटे टुकड़े लग जाते हैं हमारे। नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा ये एनर्जी का है तो एनर्जी, लेकिन क्या है बेटा? मास का ट्रांसफर है नहीं है। इसका ट्रांसफर नहीं है बेटा, मास का ट्रांसफर। बोलो कोई दिक्कत है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो है लेकिन बिना मास के, सॉरी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लेकिन विदाउट मास के। जैसे आप सनलाइट में खड़े होते हो तो आज ऐसे कहते हो कि आज तो यार सन इतनी मोटी मोटी लाइट पड़ रही थी, ऐसा कहते हो क्या? नहीं, इतनी मोटी मोटी लाइट नहीं पड़ रही, ऐसा नहीं बोलोगे ना। आप क्या कहोगे? क्या तेज धूप थी? या फिर ऐसे कहते हो कि आज तो छत्ता लेके निकलना चाहिए था यार, मोटी मोटी छत्ता से क्या छत्ता फिट जाएगा? कितनी मोटी मोटी लाइट पड़ी यार, लग गई मेरे तो यार। नहीं ना, क्यों?
क्योंकि लाइट को आप क्या देखते हो बेटा, कोई एनर्जी नहीं, आपको मास नहीं फील होता धूप में खड़े हो, तो एनर्जी है। क्या है बेटा? एनर्जी। तो जो वो एनर्जी जो बिना मास के चलती है वो क्या कहलाती है? वेव। मास नहीं होना चाहिए बेटा उसमें, क्लियर है? जैसे साउंड वेव है, सनलाइट है, आपकी जो ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है, ये सब, जैसे आप यही हीट निकलती है किसी चीज, तो आप किसी चीज के हीट के पास जाओ, कोई मास ट्रांसफर थोड़ी है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर है। जैसे कोई गर्म चीज है उसके पास आप हाथ लेके जाओ, आपको गर्म फील होता है कि नहीं होता? उसको टच भी नहीं किया ना मास, फिर भी आपको गर्म फील हुआ, वो क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, लेकिन बिना मास के। बोलो, कोई दिक्कत है? एक वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपके लिए? एक वेव बेटा ऐसी होती है कि बेटा कोई आपसे पूछे एक वेव को रिप्रेजेंट करो, तो वेव हमेशा ऐसे याद रखो कि आधा चक्कर ऊपर आधा चक्कर है नीचे, यही वेव है, क्लियर है? आधा चक्कर ऊपर आधा चक्कर है, पूरा चक्कर बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? पूरा चक्कर। यही आपके लिए क्या है? वेव। साइन का ग्राफ वेव वालों के हिसाब से, क्लियर है? तो आपसे कोई पूछे वेव क्या है, तुम क्या कहोगे कि आधा चक्कर है ऊपर आधा चक्कर है, कहीं से भी ले लेना चाहिए, पूरा चक्कर बन जाना चाहिए ऐसे, वही एक वेव है। वो क्या है बेटा? वन वेव। ऐसी कई वेव हो सकती है, जैसे ये है, अब कितनी वेव हो गई बेटा? ये एक वेव हो गई, आधा चक्कर, और ये दूसरी वेव हो गई। ये वेव को नापने का तरीका है। अब जो हाँ अपने जो वेव पढ़ रहे हैं नॉर्मल वेव, बहुत सारी बहुत डिफरेंट टाइप की वेव, अपन ये वाली वेव पढ़ते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेव की जो सबसे पहले बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ वेव, सबसे पहले टर्म है बेटा वेवलेंथ। क्या है बेटा? तो वेवलेंथ होती क्या है कि लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की लेंथ, उसी को वेवलेंथ बोलते थे। ये मैंने कहा एक वेव है, तो तुमने इसकी वेवलेंथ क्या बोल दी? लैम्डा। अब देखो ध्यान से, अगर ये वेवलेंथ लैम्डा है तो इसका आधा कितना होगा? लैम्डा बाई टू, मतलब एक चक्कर कितने का? लैम्डा बाई टू। और इस एक चक्कर का भी मैं आधा करूं तो कितने आएगा? लैम्डा बाई फोर। क्या बात समझ में आई बेटा? आपने एक चक्कर है, उस चक्कर का आधा किया तो लैम्डा बाई टू, उस चक्कर के आधे का भी आधा कितना हुआ? लैम्डा बाई फोर। आगे बात समझ में? अब कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे मैंने तुमसे पूछा बेटा कि आप ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आपको पता है ए से लेके यहां तक तो एक वेव है, तो ये तो लैम्डा होगी, और ये यहां से बीच तक ही तो नापना है, पूरा लैम्डा बाई टू है, तो ये कितना होगा बेटा? लैम्डा बाई फोर। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई फोर। नेक्स्ट वन देखो, आपको कहा ए से लेके बी तक नापो, तो आपने कहा यहां से लेके आधा सर्कल ऊपर, तो पूरा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? तो ये तो लैम्डा हो गया। उसके बाद में ये कितना हो गया? लैम्डा बाई टू, और ये कितना हो गया? लैम्डा बाई फोर। बोलो कोई दिक्कत है? इसको जोड़ दो भाई, ये लैम्डा लैम्डा बाई टू और ये लैम्डा बाई फोर, तो आपके पास ए बी लेंथ आ जाएगी कितनी? बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह से मैंने पूछा ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपको पता है ए से बी तक जाए तो एक लैम्डा एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव, तो दो वेव होगी। एक वेव की लेंथ लैम्डा, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? टू लैम्डा। क्या बात समझ में आई बेटा? अब बेटा वेवलेंथ है क्या कि सर वेवलेंथ है तो लेंथ ही लेंथ ही है, और लेंथ किस में नापते हो? मीटर या सेंटीमीटर में? तो या तो ये मीटर हो गया सेंटीमीटर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, वेव नंबर। क्या है बेटा? वेव नंबर को अपन न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। एक कुछ नहीं होता है, वी टाइप्स का सा बनाओ, उस पर से डंडा लगा दो। क्या लगा दो? डंडा। उसे क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर होती क्या है? वेव नंबर सिंपल सी कहानी है बेटा, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव इन वन सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितनी वेव है उसी को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। एक सेंटीमीटर की जगह अपन मीटर भी यूज कर सकते हैं, यूनिट अलग आ जाएगी। एक सेंटीमीटर या एक मीटर में कितनी वेव है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेव नंबर। आ रही बात में? वेव नंबर क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ वेव इन ए वन सेंटीमीटर और ए वन मीटर, कि एक सेंटीमीटर या एक मीटर में कितनी वेव है इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेव नंबर। ये बात समझ में आ गई बेटा? वेव नंबर क्या होता है, और वेव नंबर होता क्या? वन अपॉन ए लैम्डा। समझ में आया कैसे लिखा? कैसे लिखा? हमें पता है बेटा लैम्डा लेंथ में कितनी वेव होती है? एक वेव।
अगला कहता है एक सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो क्या लिखोगे 1/लैम्डा। क्लियर है? अब हमें पता है लैम्डा किसमें होता है, सेंटीमीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में है तो वेव नंबर किसमें आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में, और लैम्डा मीटर में, तो ये किसमें आएगा, मीटर इनवर्स में। क्लियर है? क्योंकि लैम्डा क्या है, उल्टा है ना लैम्डा का, तो आगे से हमें पता है वेव नंबर मतलब 1/लैम्डा। बस तुम्हारे लिए डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कितनी वेव है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में। जैसे अगर मैं मान लो यूं कहता कि यहां कितनी वेव है, यहां कितनी वेव है इस लेंथ में, तीन वेव है, एक दो तीन, कितनी वेव, 3 वेव। क्लियर है? टोटल वेव कितनी है, 3, वो तो मैंने गिनवा दी, लेकिन लैम्डा दे दे तो जो लैम्डा दिया तो 1/लैम्डा। आई बात समझ में? नेक्स्ट में आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि एक बच्चा है, जैसे ये है, इसको अपन ने क्या किया कि 20 थप्पड़ मारे 60 सेकंड में, या फिर 20 सेकंड में 60 थप्पड़ मारे, तो बता एक अगर किसी बच्चे को अपन ने 20 सेकंड में 60 थप्पड़ मारे तो 1 सेकंड में कितने थप्पड़ मारे, 3, मतलब अपने थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। आ रही बात समझ में? या फिर मैं कहूँ कि इस गेट में से 20 सेकंड में 80 बच्चे भाग गए, तो इस गेट से पर सेकंड कितने बच्चे भाग रहे हैं, 4। यही बात हुई, 80 बच्चे भागे 20 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने भाग रहे हैं, 4 बच्चे। यही फ्रीक्वेंसी है कि किसी पॉइंट पे से, कोई आपके पास क्या है बेटा पॉइंट, इस पॉइंट में से कितनी वेव चली जाती है 1 सेकंड में, हमें बताइए। एक वेव है, ये एक वेव है, ऐसी कितनी वेव 1 सेकंड में किसी पॉइंट से चली जाती है, कोई भी पॉइंट, मैंने कहा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव निकल गई, नंबर ऑफ वेव, जितनी वेव निकल गई उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं, बोलो कोई दिक्कत है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन यूनिट टाइम नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। ये आगे चल के बताएंगे फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम क्यों बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बेटा सेकंड इनवर्स, क्या होती है, इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, इसी को क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं साइकिल पर सेकंड, क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड या सीपीएस, क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड या सीपीएस, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पक्का कि सेकंड इनवर्स हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं सीपीएस, समझा एकदम अच्छे से, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीट्यूड, किसकी बात करते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, कि आपको बोल इसको देखो, आपने एक चीज बताना मैं तुम्हें भूल गया, कि जैसे ये वेव है, जो वेव की हाइट है इसे बोलते हैं ट्रफ, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ नहीं, ट्रफ नहीं, क्रस्ट, गलती से बोल गया, क्रस्ट, क्या बोलते हैं बेटा, जो वेव की हाइट है उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट, और जो वेव की डेप्थ है ये वाली, इसे बोलते हैं ट्रफ, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ। दो वर्ड होते हैं वेव में, जो हाईएस्ट पीक होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और जो लोवेस्ट पीक होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रफ, डेप्थ को। अब जो क्रस्ट की हाइट है या फिर ट्रफ की डेप्थ है, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। वो कहते हैं ना एम्पलीट्यूड, गाने नहीं बने एम्पलीट्यूड तेरा, क्लियर है? तो ये क्या है बेटा, क्रस्ट की हाइट और ये ट्रफ का एम्पलीट्यूड। अब कह सर एक तो ए और एक माइनस है, क्यों, ऊपर वाले को ए दे दिया, नीचे वाले को माइनस है, नीचे वाले क्वार्टर में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम, तो क्रस्ट की हाइट या ट्रफ का डेप्थ, बोलो कोई दिक्कत है। और एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, लेंथ ही तो है, लेंथ तो सेंटीमीटर या मीटर। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, कोई वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन पर यूनिट टाइम, बोलो कोई दिक्कत है। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड या, बोलो कोई दिक्कत है पक्का। नेक्स्ट उन्होंने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये
कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल है कि मैंने क्या किया बेटा, ये देखो पहली बात मुझे बताओ y एक्सिस और x एक्सिस में कितने डिग्री का एंगल है, x एक्सिस और z एक्सिस में कैसे 90 कि 120 है, पेन देने देखो बहुत आसान है, समझ लो। देखो ये क्या है बेटा x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, अगर मैं यहां रख दूं तो ये z एक्सिस है ना, तो ये z एक्सिस अपन यहां नहीं रियलिटी में यहां पर है, ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस बाहर की तरफ है, अपने बना ऐसे दिया है कहां पे बेटा, ये बाहर की तरफ x एक्सिस ऐसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, z एक्सिस क्या है बेटा बाहर की तरफ ऐसे। तो आप इसको बोर्ड पे कैसे बनाए, ये तो बन गया, अब बोर्ड पे बनाते समय इसे क्या किया अपन ने, चिपका दिया। ध्यान रहे x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर, आ रही बात में, ये बड़ा बॉक्स दे, दे, दे। बस देखो इस तरह से तीनों के तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये क्या है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये तीनों में बॉन्ड एंगल कितना है 90 90 90 ऐसे। अब बोर्ड पे बनाएं कैसे, बोर्ड पे इसको बनाने के लिए इधर चिपका देते हैं, ठीक है। अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर मैं कहूं कि अगर अपन ने z एक्सिस पे क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, b का मतलब क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड को b से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के पढ़ लोगे। और y एक्सिस पे क्या लगाया बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इस पे तो लगाया मैग्नेटिक फील्ड, इस पे लगाया इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे के क्या है बेटा परपेंडिकुलर, क्या है बेटा परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेव चलती है, क्या चलती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर है इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या चलती है एक वेव। देखो चलने की डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर है, मैं जिधर चल रहा हूं इनके परपेंडिकुलर नहीं है क्या, इधर कौन है मैग्नेटिक फील्ड, इधर कौन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या चलती है वेव, क्या चलती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि जब हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाते हैं तो इनके परपेंडिकुलर एक वेव चलती है और उसी को बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव के चलने को क्या बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो उनके परपेंडिकुलर एक वेव चलती है, उस वेव का नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मान लो ये तो वाई और जेड पे थे, अगर मैं बेटा एक्स और जेड पे चल लगाता तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ वेव किस एक्सिस पे जाती है वाई पे, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक लगाऊंगा उसके परपेंडिकुलर कौन जाएगी वेव। अगर मैं बेटा जी वाई और एक्स पे लगाता तो वेव किधर जाती जेड पे, तो जिधर मैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा उसके परपेंडिकुलर कौन जाएगी वेव। बोलो कोई दिक्कत है इसमें कि सर कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हुआ बेटा वेव इन विच बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर ड्यू टू दिस ए वेव जनरेट दोज प्रोपोगेशन डायरेक्शन आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड को अपन सी से रिप्रेजेंट करता हूं, कितनी होती है 3×10^8 मीटर पर सेकंड या 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई रोते हुए मत आ जाना कि सर मैंने तो कहीं सेंटीमीटर पर से ये देखा 3×10^10 ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, जहां देख लेना अगर यूनिट मीटर में दे रही है तो मीटर में यूज करना, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट की स्पीड को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब जैसे बेटा लाइट है खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जैसे साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, क्लियर है।
अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं बात करना चाहूं स्पेस में जाके तो मैं बात नहीं कर सकता डायरेक्ट, स्पेस वाले स्पेस सूट में बात करते हैं आपस में, एक तरह से टेलीफोनिक कॉलिंग करते हैं, वो वायरलेस बात करते हैं, इतना बोलता है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तरीके से बात करते हैं, सीधा बात नहीं कर पाते स्पेस में अगर स्पेस सूट के बिना। हरी बात में सर, स्पेस यान में तो करते हैं वो, हमने देखा है। अरे तो वो अंदर तो उन्होंने माहौल बनाया होता है ना, मीडियम जनरेट करा होता है अंदर, तो बिना सांस भी ले रहे होते हैं, ले रहे। तो सिंपल सी कहानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ए प्रोपोगेशन, इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, बिना मीडियम चलती है, सन से लाइट चल के आई जाती है हमारे पास, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा, ईएम वेव ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा किससे चलती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, क्लियर है। अब बेटा इनके एक इक्वेशन है, ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा इक्वल होती है सी अपॉन लेमडा के, सी क्या है बेटा स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा क्या है वेवलेंथ, तो बेटा फ्रीक्वेंसी का जब भी आए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा सी अपॉन ए लेमडा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा सी अपॉन लेमडा, ये याद होना चाहिए बेटा सबको, है ना। अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती बेटा, वी अपॉन लेमडा, वी अपॉन ए लेमडा, कब है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना हो। मान लो मैं कहूँ सिंपल वेव, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक वेव जिसकी वेलोसिटी इतनी, तो आपको अच्छा वेलोसिटी, तो फिर वेलोसिटी वी यूज करेंगे, कुछ ना कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और वो अगला वेव स्पीड दे तो फिर वेलोसिटी, अगर वो कहते वेलोसिटी निकालो तो भी हम लाइट की स्पीड नहीं मानेंगे, तो वो कहते फ्रीक्वेंसी इतनी लेमडा इतना तो वेलोसिटी निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, कि कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है। देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की बात करें तो अपने पास कई तरह की, एक तो बेटा कॉस्मेटिक, कॉस्मिक रे, कॉस्मेटिक नहीं कॉस्मिक, ठीक है कॉस्मिक, कॉस्मिक रे, क्लियर है। एक तो है कॉस्मिक रे, दूसरी अपने पास है गामा रे, तीसरी है एक्स रे, फिर है यूवी रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रे, फिर है आईआर, फिर है माइक्रोवेव, फिर है रेडियो। अगर मैं इनकी वेवलेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा वेवलेंथ की, सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेडियो की और सबसे कम होती है कॉस्मिक की, किसकी होती है बेटा कॉस्मिक रे की, ये वेवलेंथ का ऑर्डर याद होना चाहिए। रेडियो वेव सबसे, रेडियो वेव वही है बेटा, क्लियर है, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन में आता है ये। अब बेटा ये तो हो गई किसकी बेटा वेवलेंथ की, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा तो अभी हमें पढ़ के आए फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी अपॉन ए लैम्डा, तो जिसका वेवलेंथ बड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और हमें एक वेव नंबर भी पढ़ा था, वेव नंबर क्या होता है वन अपॉन ए लैम्डा, तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी, सॉरी वेव नंबर भी कम, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन देखो बड़ा ध्यान से, क्या तुमने आईआर लाइट देखी है बेटा कभी, कभी नहीं देखी आईआर कैमरा, देखा है उस कैमरे में लाल लाल लाइट से निकलते, देखिए तो आईआर देखी है कि नहीं देखी, नहीं देखी आईआर सैंपो को दिखती है, सैंपो को दिखती है नहीं दिखती तुमको, ले रहे ना कोई पूछे ना मना कर देना नहीं देखी है वरना शाम घोषित हो जाओगे, ले रहे। तो आई आर सिर्फ किसको दिखती है सांप को, जो किस कैमरे में लाल लाल लाइट निकलती है वो विजिबल लाइट होती है, वो तो ऐसे सेंसर है वो, तो क्लियर है उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जो आई आर वो हमें नहीं दिखती बेटा, आई आर जानवरों को दिखती है सर, फिर आई आर को क्या, आई आर को हम इंस्ट्रूमेंट से दिखवाते और उसको विजिबल रे में कन्वर्ट करके हम देखते हैं, क्लियर है। आई आर को हम सीधा नहीं देख पाते, ठीक है, तो मत कह दे रहा हम देख, हमें आई आर दिखती है, हमें आई आर दिखती है, क्लियर है। अब जो विजिबल है बेटा अपने पास में, ये विजिबल खुद कितने तरीके से होता है बेटा, सात तरीके से, विबग्योर क्या होता है बेटा, इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है लेमडा मैक्स, और वॉयलेट की लेमडा क्या होती है बेटा सबसे कम, हमारी बात में सबसे ज्यादा सबसे कम। अब तो वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी बता दोगे, वेवलेंथ का उल्टा उल्टा होता है वेव नंबर भी उल्टा। और बेटा आपने हमेशा देखा होगा रेड लाइट क्या होती है बेटा, स्केटरिंग नहीं होती इसकी ट्रैफिक लाइट, और येलो कलर इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है, इंसानी आंखों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तुमने देखा होगा तुम जैसे भी काम कर रहे हो तो तुमसे देखने लग जाते हो, जब कहीं जैसे भी काम करते हो तुम देखने लग जाते हो ना, अपने आप आंखें जाती है, क्यों, बात ये नहीं है कि जैसे भी काम करे, आप कई बार देखो लाल कलर की जैसे भी आती है आजकल,
वो काम कर रही थी तो हमें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, चल बे कुछ नहीं है इधर, तो ट्रैक्टर सा है तुम्हें देख के इग्नोर कर दो चाहे वो कितनी बड़ी हो, आ रही बात में। लेकिन येलो कलर की जैसी भी छोटी सी भी काम कर रही है तो तुम्हें अट्रैक्ट करती है। रीजन क्या होता है, येलो कलर इंसानी आंखों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए जो हैवी व्हीकल होते हैं इंडस्ट्रियल वो कैसे होते हैं बेटा, येलो कलर के होते हैं ताकि आपको दूर से काम करते हुए दिख जाए। कंस्ट्रक्शन जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले व्हीकल्स हैं बट जनरली येलो कलर के होते हैं क्योंकि तो तुम्हारी आंख को अट्रैक्ट कर जाए ताकि तुम दूर हो जाओ। मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना फिर भी तुम्हारी आंखें अपने आप गर्दन घुमा देती है, तो मतलब तुम देखना भी नहीं चाहो ना तब भी तुम्हारी गर्दन को ऐसे घुमा के देख क्या मस्त चीज है, जैसी भी को नहीं दिखा रही वो उस येलो कलर को अट्रैक्ट करवा रही है। किसको अट्रैक्ट करवा रही है, वही जैसे भी रेड कलर में काम कर रहे हो तुम बिल्कुल देख के गए चल रही है क्या कुछ नहीं है। आ रहे वास्तव में क्लियर है, यहाँ तक सब क्वेश्चन में आया। कल अपन पढ़ेंगे बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से चैप्टर का शुरुआत है, इसी से न्यूमेरिकल शुरू होगा, यहीं से चैप्टर अलग चलेगा, ठीक है।